जब उद्योगपति देखता है कि माननीय मुख्यमंत्री के बगल में के ठीक बगल के सीट पर बैठा हुआ आदमी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हो तो स्वाभाविक है कि उद्योगपति जिस वहीं से लौट जाता है। प्रधानमंत्री के बगल में बैठने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने तरीपार घोषित कर दिया था, जिला में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। वह व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के बगल में बैठता है और देश नीति निर्धारण करता है, इससे बड़ा देश के लिए क्या दुर्भाग्य हो सकता है। कि 2005 के पहले कुछ था, हम भी कह रहे हैं कि 2005 के पहले नहीं था, 2005 के बाद आया, लेकिन जिनके सहयोग से आया वो क्यों आप भूल जाते हैं, और जिनके कारण 2005 के पहले नहीं था उनको बगल में बिठाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश और दुनिया में। जिस देश का गृहमंत्री तरीपार हो, जिस देश का गृहमंत्री तरीपार हो, उस देश का इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। महोदय, ये बिहार बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिहार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं ताकि उद्योगपति आकर्षित हो सके, लेकिन जब उद्योगपति देखता है कि माननीय मुख्यमंत्री के बगल में के ठीक बगल के सीट पर बैठा हुआ आदमी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हो तो स्वाभाविक है कि उद्योगपति जिस वहीं से लौट जाता है वो हवाई अड्डे पर उतरना भी पसंद नहीं करता है। जिस बिहार में 2005 के पहले का बिहार, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस सदन में उस दिन भी कह रहे थे धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण करते हुए कि 2005 के पहले कुछ था, हम भी कह रहे हैं कि 2005 के पहले नहीं था, 2005 के बाद आया, लेकिन जिनके सहयोग से आया वो क्यों आप भूल जाते हैं, और जिनके कारण 2005 के पहले नहीं था उनको बगल में बिठाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश और दुनिया में। महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं। महोदय, विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री के बगल में बैठने वाले व्यक्ति के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। मैं सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मैं भी पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के बगल में बैठने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने तरीपार घोषित कर दिया था, जिला में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। वह व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के बगल में बैठता है और देश नीति निर्धारण करता है, इससे बड़ा देश के लिए क्या दुर्भाग्य हो सकता है। जिस देश का गृहमंत्री तरीपार हो, जिस देश का गृहमंत्री तरीपार हो, उस देश का इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। माननीय सदस्य, माननीय महोदय, महोदय जिनको बगल में बैठने की बात कर रहे हैं, माननीय सदस्य, आप उद्योग के बजट है, उद्योग पर ही अपने को आप जो है नियंत्रित करके बातों रखे, इसलिए माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण, आदरणीय आप बैठ जाए, हो गया, मैंने बोल दिया कि आप उद्योग पर ही बोले, बैठिए उद्योग। महोदय, आप उद्योग पर ही बोले। महोदय, जारी रखिए, ऐसे ही लोग, समय आपका बहुत कम है। महोदय, ऐसे ही लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं, इन लोगों को पत्थर में भगवान और इंसान में दानव दिखता है। महोदय, लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।